तुम्हारा भाई जा रहा है सूरत, और ये मेरी पहली सबसे बड़ी वाली राइड रहेगी। पहली बार तुम्हारा भाई महाराष्ट्र के बॉर्डर को क्रॉस करेगा। सूरत में जा रहा हूँ क्योंकि सूरत में है बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड्स, तो अपने नोवा की टंकी वंकी सब कर दी है फुल। अभी हमको होना है मुंबई से बुल। क्या बात है, राइम बन गया भाई। यस यस यस, दिख गए अतीश की अप्रिला। क्या बात है भाई, तो बुल चड्डे वड्डे में गोवा नहीं जाना है, गुजरात जाना है। यह बहुत बढ़िया लगा यार मुझे सूरत में। ये देखो, ये वाला जो लेन देख रहे हो ना तुम, ये सिर्फ BST के लिए। वाह, क्या लग रहा है भाई, शानदार। वेलकम यू टू सूरत, फाइनली सेफ एंड साउंड हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत। और अभी सूरत की सीमा पार करते हुए फुल स्वैग से। सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोवा व्लॉग्स। तुम्हारा भाई जा रहा है सूरत, और ये मेरी पहली सबसे बड़ी वाली राइड रहेगी। इससे पहले मैं महाराष्ट्र अपना जो महाराष्ट्र है वो क्रॉस करके कहीं पे भी नहीं गया हूँ। इतनी लंबी राइड मैंने आज तक नहीं मारी है, तो आज पहली बार तुम्हारा भाई महाराष्ट्र के बॉर्डर को क्रॉस करेगा। अपनी नोवा भी महाराष्ट्र के बॉर्डर को क्रॉस करेगी पहली बार। तो ऐसे तो मैं बहुत जगह घुमा हूँ, अहुरा होटल घुमा हूँ, अहुरा होटल तो नॉर्मल हो गया, अहुरा घुमा हूँ, फिर त्रिंबकेश्वर घुमा हूँ, बहुत सी अच्छी अच्छी जगह गया हूँ जो कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा रहेगा। पर आज तक मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया हूँ, तो आज अपन पहली बार गुजरात जाएंगे। ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि खास दोस्तों के साथ जाने में अलग ही मज़ा है। तो मैं जा रहा हूँ अतीश के साथ, तो अतीश अपने को ज्वाइन करेगा फाउंटेन के बाद। तो फटाफट से अभी पहनते GoPro क्योंकि सब कुछ रेडी हो गया है। देखो, छोटा बैग बड़ा बैग। तो आ गए हैं जी अपने GoPro वाले सेटअप पे। सूरत में जा रहे हैं अपन क्योंकि सूरत में है बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड्स, और वहाँ पे घूमने लायक भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह है, तो वहाँ पे जाएंगे और आपको भी बताएंगे। तो ज़रूर से ये वाली सीरीज़ को प्यार दिखाना। हमारा प्लान एक ही दिन के लिए, कल का दिन ही हम लोग घूमने वाले हैं सूरत में, उसके बाद कल ही शाम को हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा कुछ सीन है अपना। तभी कुछ बज रहे हैं रात के 1, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये सब कुछ था एकदम अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अतीश ने ऐसे ही मेरे को फ़ोन कर दिया कि भाई मैं सूरत जा रहा हूँ, तू चल रहा है क्या? और उसने बहुत ज़्यादा कन्वेंस किया, तो फिर मैं बोला चलो ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं गोवा के पहले सूरत वूरत या फिर कहीं भी इतना दूर जाऊँगा, पर अचानक से प्लान बन गया। और अतीश कैसा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और हमारी मुलाकात भी और हम लोग की दोस्ती भी राइड पर ही हुई थी, अहुरा वाले राइड पे। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। पहले तो मैंने पूछा किससे जा रहे हैं, उसने बोला बाइक से। बोला बाइक से तो फिर तो भाई तुम्हारा भाई आएगा ही। तो अतीश अभी मेरा वेट कर रहा है मैकडी पे। आपने देखा ही रहेगा अहुरा जाते हैं तो जहाँ पे हम लोग मैकडी पे हमारा मीटअप पॉइंट रहता है वहाँ पे ही रुका है अतीश। तो फटाफट से मैकडी जाते हैं, उससे मिलते हैं और फिर राइड कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अतीश बाय द वे अप्रिला पे आ रहा है और तुम्हारा भाई आ रहा है ड्यूक 200 पे। तो अपने नोवा की टंकी वंकी सब कर दी है फुल, अभी हमको होना है मुंबई से बुल। क्या बात है, राइम बन गया भाई, वाह। और जैसे ही मैं पेट्रोल भरा रहा था, मेरे मन में विचार आया कि चलो भाई हवा बवा भी चेक करा लेते क्योंकि बहुत दूर जाना है। तो देखा तो भाई दो पंचर निकले, एक पीछे के टायर में और एक आगे के टायर में पंचर निकला। तो अच्छा हुआ कि मैं हवा भराने के लिए रुक गया, वरना तो कलेश हो जाते भाई, कलेश। वैसे मैकडी में भी पेट्रोल पंप तो है, मैंने पहले सोचा था वहाँ से पेट्रोल भरा हूँ, पर वहाँ पे पंचर वाला मिले या ना मिले क्या पता भाई। यहाँ पे तो पेट्रोल पंप वाले ने हवा देख के बोल दिया, हवा बहुत ज़्यादा कम थी, तो तुरंत पेट्रोल पंप वाले जो हवा वाला था उसने तुरंत बोल दिया कि भाई पंचर है। मैं बोला हाँ भाई चेक कर लो, बहुत दूर जाना मेरे को। तो चेक किया तो भाई पंचर निकला। कुछ भी बोलो, रात का राइड करने की अलग ही मजा है भाई। और आप टेंशन मत लेना, खाली खाली अंधेरे में व्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, ये टाइम पे निकला हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे तक हम लोग गुजरात शायद से पहुंच जाएंगे। तो सुबह का नजारा भी आपको देखने मिलेगा जरूर से। तो लास्ट तक व्लॉग को एंजॉय करो बिना स्किप किए, क्योंकि ये भाई अपने चैनल पे पहली बार इतना तगड़ा कंटेंट आ रहा है और ऐसा बाहर का कंटेंट आ रहा है, तो जरूर से देखना भैया। कि मेरी गाड़ी में आगे आपको पता है हेडलाइट पर पूरा रैप किया हुआ है मॉडिफिकेशन में। तो
यहाँ से मैकडी तरह मेरे को टेंशन है, उसके बाद तो अतीश की गाड़ी में फॉग लाइट लगा है तो वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, तो हम लोग एक ही साथ रहने वाले हैं तो इतना कुछ टेंशन होएगा नहीं। बस मेरे को यहाँ से मैकडी तरह संभालना है अपने आप को। अभी तो एकदम मुंबई वाले हाईवे चल रहे हैं इसलिए लाइट वाइट है, इसलिए मैं थोड़ा भगा रहा हूँ। जैसे ही फाउंटेन क्रॉस होएगा उसके बाद पूरा अंधेरा होने वाला है भाई, तो वहाँ पे मैं कुछ भी हरकत नहीं करूँगा जिसके वजह से मुझे हार्म हो। भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, बस अंदाजे से चल रहा हूँ। आपको भी कुछ नहीं दिखता रहेगा। सोच रहा हूँ ऐसी हालत है, पर बस अभी मैकडी आने वाला है। फाउंटेन क्रॉस कर लिया मैंने और फाउंटेन के बाद जो ब्रिज लगता है वो भी क्रॉस कर लिया, तो अभी थोड़ी देर में मैकडी आ जाएगा और उसके बाद अपने को अतीश भाई मिल जाएंगे, उसके बाद तो भाई कोई टेंशन नहीं। सो फाइनली मैकडी पहुंच गए हैं अपन। तो अतीश है ढाबे पे और वो मैकडी के बाजू में ही है एकदम। यस यस यस, दिख गए अतीश की अप्रैल। यो ब्रो क्या बात है, क्या बात है भाई, तो बोल चड्डे वड्डे में गोवा नहीं जाना है, गुजरात जाना है। तो चलो भाई अभी यहाँ से अपनी राइड करते हैं कंटिन्यू। अतीश भाई भी अपने को ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे हमने दो रेडबुल पी लिए, एक अतीश भाई ने पिया और एक हमने पिया, तो थोड़ी आँख वाँख खुल गई है। तो बस अभी निकलते हैं और भाई देखो गोवा। तो गाइस तुम्हारे भाई ने गुजरात में एंट्री मार ली है और अभी यहाँ से वापी कुछ 12 किलोमीटर ही है। इससे पहले का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ये वाले ब्रिज पर लाइट वाइट थी इसीलिए अभी देखो आगे फिर से अंधेरा हो गया। तो बस अभी वापी में नाश्ता वाश्ता करेंगे उसके बाद राइड कंटिन्यू करेंगे और अभी बज रहे हैं कुछ 4, तो अभी थोड़ी देर में उजाला भी हो जाएगा, फिर तो भाई पूरा रास्ता कैमरा चालू करके जाएंगे। तो भाइयों वापी क्रॉस करके वलसाड़ आने आया पर हम लोग को एक भी रेस्टोरेंट मिला नहीं रास्ते में, इसलिए हम लोग नॉन स्टॉप खींचते गए, पर मजा आया। तो बस बस मैंने पीछे बोर्ड देखा था 101 किलोमीटर सूरत उतना था। बस अभी नाश्ता वास्ता करते, थोड़ा उजाला होएगा ताकि मेरे ऑडियंस को भी मजा आए अभी आगे का व्लॉग देखने। चलो तो अभी यहाँ पे खाते पीते थोड़ा खुद को रिचार्ज करते उसके बाद निकलते। ये जनाब की हालत देखो, क्या हाल है भाई के, बाल हो गए यार, शकल बच गई, शकल बच गई, हेलमेट पहना था, बाल वैसे बाल भी बच गए बट कैसे रफ हो गए, रफ हो गए वो तो होना ही है। अभी जाके अभी होटल में शैम्पू वैम्पू करेंगे, नहाएंगे धोएंगे सो जाएंगे, इसके बाद हम तुमको 12 बजे के बाद पूरा सूरत एक्सप्लोर कराएंगे, अच्छे अच्छे फूड चमचम वगैरह आपको मजा आ जाएगा। ये देखो देसी जुगाड़, हमारा देसी जुगाड़। आटे में मिठू शो है, मैंने वो थे आटे में थोड़ा मिठू ना के थोड़ा फिको फिको लाग रहे हुए मारवाड़ी है, मारवाड़ी गेल सोच रहा हूँ। एक नंबर सुबह की हो गई है शुरुआत से आपको ब्लॉग देखने, मजा आएगा आगे। और भाई क्या ही मजा आ रहा है ये रोडों पे। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे लोग हमारे मुंबई से शिरडी के लिए साइकिल से निकलते हैं वैसे हमारे गुज्जूस में गुजराती में आशापुरा जाते जो कि कच्छ बॉर्डर कच्छ से भी 100-150 किलोमीटर और दूर है आशापुरा माँ, उनके टेम्पल में जाते हम लोग साइकिल से। तो 2 साल से मैं लगातार गया हूँ वहां से, तो यही रूट था
ये रूट से मैं साइकिल लेके गया हूँ, सोचो साइकिल लेके। और अभी तो इतना मस्त मौसम हो रहा है, हम लोग ने तो धूप में एकदम अंधेरी रातों में साइकिल चलाया है, आप यकीन मानोगे। और वो भी मैंने 16 साल की उम्र में, मैं पहली बार 16 साल की उम्र में गया था। जो मीन्स मैनेज कर रहे थे ये सब, वो लोग भी सोच में पड़ गए कि भाई ये 16 साल का लड़का चल पाएगा, साइकिल चला पाएगा, ऐसा वाला सीन था। और भाई सुबह की तो बात ही अलग है, रात में कैसा हो रहा था कि मेरे को अतीश के पीछे ही रहना पड़ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था और मेरी गाड़ी में थोड़ा भी विजिबिलिटी नहीं क्योंकि मैंने रैप करा रखा है आगे। और अभी कैसा, अभी तो भाई खुदा उजाला, भगवान ने लाइट दे दी कुदरती लाइट, तो अभी तो आप समझ रहे हो ना। और ये वाले हाईवे पे भाई अपनी नया पहली बार बहुत ज्यादा मजा आया। और रात का सफर तो कब कट गया पता नहीं चला, तो सूरत यहाँ से अभी कुछ 80 किलोमीटर ही बचा है, उसके बाद सूरत आ जाएगा। और सूरत में हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वाले ना, ये सूरत वाली सीरीज को भूल से भी स्किप मत करना, पूरा देखना। रात का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना, और ढाबे में भी आपने देखा वो जो लड़का नाच रहा था, बार बार मूंछों को ताव दे रहा था, वो बेचारा बोल नहीं पाता है। तो हम लोग का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे करीबन आधा एक घंटा, मैक्सिमम एक घंटे में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पे होटल लेके रेस्ट करेंगे, उसके बाद लगभग हम लोग उठेंगे 12 बजे उठ जाएंगे क्योंकि रात से गाड़ी चला रहे हम लोग, नहीं बोल के 5 घंटा हो गया हम लोग को गाड़ी चलाते हुए। तो प्रॉपर रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेने के बाद सूरत बहुत अच्छे से घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। और लिटरली भाई सूरज देवता ने दर्शन दे दिया, आप भी दर्शन ले लो। और ये अच्छा है भाई, टिया के साथ राइड करने का एक तो मजा है कि भाई वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता है। तो आप जितने भी सिनेमैटिक देख रहे हो, ऑल क्रेडिट गोज टू अतीश। क्या ही प्यारा लग रहा है सूरज, और दिल आ गया भाई इधर के रोडों पे, दिल आ गया दिल। हम लोग का पर्टिकुलरली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि खाली सूरत घूम के ही आ जाएंगे, हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे नीलकंठ धाम है, ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है गुजरात में एक्सप्लोर करने और दिखाने लायक और देखने लायक। तो मन बना तो जरूर से हम लोग विजिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुजरात में एंट्री मारते ही गुजराती लैंग्वेज के बोर्ड्स वोर्ड सब दिखना चालू हो गए हैं। और सीरियसली गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अब तक का राइड बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब तक जितनी भी राइड मैंने मारी रही रहा हूँ, सबसे ज्यादा मजा अब भी आ रहा है भाई। मैंने पहले सोचा था कि भाई रात में निकल रहा हूँ, ब्लॉग व्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैंने बोला चलो ना एक आधा ट्राई तो मार लेते, वरना मेरा प्लान ऐसा था कि भाई सूरत जाके उधर से ही ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। पर अच्छा है नसीब ने साथ दे दिया और ब्लॉग व्लॉग भी सब अच्छा अच्छा बन गया। वो कहते हैं ना, तुम जिधर जा रहे हो मायने नहीं रखता है, तुम किसके साथ जा रहे हो मायने रखता है। और ये बंदे ने तो भाई ऐसे ऐसे जोक सुनाया ना मेरे को, बहुत ही उच्च कोटि के और उच्च लेवल के जोक है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। पर समझ लो भाई, मेरे को एक मिनट भी बोर नहीं होने दिया ये बंदे ने, इतना एंटरटेनिंग बंदा है ये। सूरत 66 किलोमीटर, क्या बात है। और रास्ते तो भाई ऐसे कट गए ना भाई पूछो, क्योंकि रात में पता ही नहीं चला भाई हम लोग कब 100 150 150 किलोमीटर कर ले रहे। प्यारा सा तालाब, मौसम इतना ठंडा हो गया है ना भाई, अच्छा है मैंने स्वेटशर्ट वेटशर्ट पहन रखे इसलिए अपने को फर्क नहीं पड़ा। ये भाई तो चड्डे में है भाई, और उसका भी एक रीजन है, अतीश को पैर में लगा है इसीलिए वो चड्डा पहन के राइड कर रहा है। पर देख रहे हैं भाई का प्यार राइड से। तो यहाँ पे लिया था एक छोटा सा ब्रेक और अभी गाड़ी वाड़ी सब एक्सचेंज हो गई, मैं बोला चल थोड़ी देर के लिए अभी अप्रिला के भी मजे ले लिया जाए। बहुत ही स्मूथ चल रही है भाई ये भी, थोड़ा कैसा गाड़ी एक्सचेंज मारेंगे तो मजा आएगा चलाने में। कब से रात से ही गियर वाली चला रहा हूँ, अभी नॉन गियर चला के एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, ना गियर डालो ना कुछ। पर यही बात है, नॉन गियर का अपना एक अलग मजा है और गियर का अपना एक अलग मजा है। गुजरात के रोडों में शोर मचाती हुई हमारी नोआ,
और अपनी बाइक को ऐसे दूर से निहारने में अलग ही मजा आता है, और एप्रिला चलाने में बहुत मजा आ रहा है भाई, फुल सॉफ्ट। मजा आ रहा है, मजा तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं? तो फिर क्या भगाया भाई तू पहली बार में? मैं बोल रहा डायरेक्ट अभी सूरत में ही रुकेगा अभी तू। इसमें एक भी सेल पेट्रोल नहीं है और हम लोग तीन पेट्रोल पंप बीच में जाके आए पर सब बोल रहे बंद है। भाई बंद है ये? हाँ 10-15 मिनट जाएगा। अरे यार, एक तो इसमें एक भी सेल पेट्रोल नहीं है, अपनी नोवा में तो है क्योंकि अपनी नोवा 13.5 लीटर का टैंक है और ये सिर्फ 7 लीटर का टैंक है। ये पेट्रोल पंप भी बंद है यार। अब बोल रहे हैं लोग आगे और एक है और ये गाड़ी मिसिंग भी मारना चालू कर दी अभी। मैं लूँ क्या? ले लो, पैर ऊपर ले लो। सोचा रही था भाई स्प्लेंडर में चला गया यहाँ आके एकदम मस्त वो दे रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है यार, कुछ भी बोलो भाई। एक आवाज में रुक गया। शुक्रिया भाई, क्या नाम आपका? किरण। किरण, 220 किलोमीटर चला और अभी भी 3 सेल बाकी है। अभी भी मतलब समझ लो अभी ज्यादा दिया नहीं तो अगर स्मूथली चलेगा ना इसको कम से कम 800 किलोमीटर चलेगी फुल टैंक आराम से। 13.5। अच्छा चल गया रहा। तो अब तक हम लोग का ट्रिप हुआ है 220 किलोमीटर, अब तक हम लोग ने चलाया फाउंटेन जहाँ से मेरे को अतीश मिला वहाँ से 220 किलोमीटर, तो मेरे घर से तो मैं ज़्यादा ही चला के लाया। वैसे तो मैं भी मेरे घर से ज़्यादा ही चला के लाया। टंकी करा दी हमने फिर से फुल और अब की बार टंकी फुल हुई है 700 रुपये में, क्योंकि ऑलरेडी 3 सेल थे। ये बहुत बढ़िया लगा यार मुझे सूरत में। ये देखो ये वाला जो लेन देख रहे हो ना तुम, ये सिर्फ BST के लिए, सिर्फ और सिर्फ BST की बसें जाएगी ये वाले पट्टे से। वेलकम यू टू सूरत, क्या बात है, वाह क्या लग रहा है भाई, शानदार। वेलकम यू टू सूरत, फाइनली सेफ एंड साउंड हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत। और अभी सूरत की सीमा पार करते हुए फुल स्वैग से अभी यहाँ पे पहुंचने पे पहला टास्क हमको है कि हमको ढूंढना है होटल। वाह भाई वाह, मोदी। पर यहाँ पे ये एक सीन है भाई, तुमको कोई भी हेलमेट हेलमेट के साथ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे तो पुलिस वाले के सामने ऐसे जाते बिना हेलमेट के, कुछ सीन ही नहीं है यहाँ पे। पिछले 15 मिनट से घूम रहे हम लोग सूरत के अंदर होटल के लिए और यहाँ पे एक अच्छा होटल मिला है
लेट्स सी, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते रेट वेट सब जमा तो यहाँ पे ही ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं भाई? की गाड़ी दिखनी चाहिए भाई ऊपर से।